तो गाइस आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप फेसबुक पर 5000 से ज़्यादा फ्रेंड कैसे ऐड कर सकते हो, यानी कि कैसे फ्रेंड बना सकते हो 5000 से ज़्यादा। तो इसके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। वीडियो को अगर आप लास्ट तक पूरा देख लेते हो तो आप इजीली कर पाओगे और आप फिर 5000 से ज़्यादा फ्रेंड अपने फेसबुक आईडी पर ऐड कर पाओगे। तो इसके लिए सिंपल सी सेटिंग्स है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। तो इसके लिए सिंपल करना क्या कि यहाँ पर 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पर क्लिक कर देना। और ये दोस्तों आपको खोलना है, यहाँ पर लाइट में काम नहीं चलेगा, आपने सिंपल इसका फेसबुक का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना, लाइट वाला नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इजीली कर लोगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल रहा है सेटिंग्स का, ठीक है। तो सिंपल यहाँ सेटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ से आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हो और बाकी कुछ भी यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, अब सिंपल आपने करना क्या वो सबसे पहले तो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिंपल करना क्या है कि यहाँ पर देखिए प्राइवेसी सेटिंग आपको मिल जाती है, तो इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपने सिंपल यहाँ पर योर एक्टिविटी वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आपने सेटिंग्स क्या करनी है, तो हु कैन सी यू फीचर पोस्ट्स, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको सिंपल पब्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर पब्लिक कर देना है और देखिए लिमिट हु कैन सी पोस्ट, तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हु कैन सी यू स्टोरीज, तो यहाँ पर सिंपल फ्रेंड कर देना है, ठीक है। अब देखिए और ये यहाँ पर पब्लिक रहने देना है, यहाँ पर फ्रेंड कर देना है। और हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स करना है, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक भी हो सकता है लेकिन आपको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स करना है। तो यहाँ पर और देख सकते हो आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। हु कैन सी यू फ्रेंड लिस्ट, तो यहाँ पर पब्लिक लेने देना। हु कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइड, तो आपका ईमेल एड्रेस कौन कौन देख सकते हैं, तो यहाँ पर ओनली मी कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे आना तो यहाँ पर ओनली मी कर देना और नीचे वाले ऑप्शन में आपको सिंपली यस कर देना। अब एक सेटिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो उसे आपको करना क्या है कि यहाँ पर पब्लिक पोस्ट पर आ जाना है। पब्लिक पोस्ट पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सिंपल फर्स्ट स्टेप में, अब मैं बोल रहा हूँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। यहाँ पर इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर पब्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे आना है, हु कैन सी योर फॉलोअर्स ऑन योर टाइम है, तो यहाँ पर भी पब्लिक कर देना है और यहाँ पर भी पब्लिक कर देना है, ठीक है। तो ऊपर के यहाँ पर पब्लिक कर दिए, फिर यहाँ पर देखिए पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, तो एवरीवन कर देना है। इसके बाद नीचे आना है, फिर यहाँ पर पब्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद दोस्तों नीचे देखिए ऑफ फेसबुक यहाँ पर प्रीव्यूज़, तो यहाँ पर इसे ऑन कर देना है, ठीक है। ध्यान देना इसे ऑन कर देना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा काम, ठीक है। तो इतनी सेटिंग्स आपने पूरी तरह से कर ली होगी, तो यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट और ले लेना है इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतना काम करने के बाद दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि हमारा जो काम है वो पूरी तरह से हो पाया या नहीं। तो यहाँ पर हम अपनी फेसबुक अकाउंट पर चलते हैं। अब यहाँ पर 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू एज का, तो सिंपल हम इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता होगा मैसेज का मिलता होगा या ऐड फ्रेंड का मिलता होगा, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फॉलो बटन लग चुका है, ठीक है। तो फॉलो बटन का मतलब ये है कि अब हमें कोई भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो 5000 फ्रेंड होने के बावजूद देखिए मुझे 3 लोगों ने और फॉलो किया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ इसकी सच्चाई क्या है कि देखिए आपके अगर 5000 फ्रेंड पूरे हो चुके हैं, आपके ऐड हो चुके हैं 5000 फ्रेंड, तो आपको फॉलो बटन लगा लेना है। अब जो भी बंदा अगर आपसे जुड़ना चाहता है, मतलब आपको ऐड फ्रेंड होना चाहता है वो आपसे, ठीक है, तो वो सिंपली से फॉलो कर लेगा आपको, ठीक है। फॉलो कर लेगा तो आपके एज ए फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है, एज ए फ्रेंड आपका हो जाएगा और वो यहाँ पर फॉलोअर में आने लगेगा आपका, ठीक है। तो 5000 से ऊपर फिर आपके जितने भी बनेंगे वो फॉलोअर कहलाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन आप जब भी कोई पोस्ट डालोगे या उनके फिर आईडी भी देखोगे तो आप सब कुछ वो वैसे ही कर सकते हो जैसे और लोगों के साथ कर सकते हो, लेकिन वो केवल आपका फॉलोवेड होगा, ठीक है। वो आपका एज ए फ्रेंड नहीं आएगा, लेकिन वो आपको फॉलो किया होगा तो वो फॉलोअर में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लगा पाओगे और बहुत इजी तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। फिर भी आपका अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे एक बार कमेंट जरूर कर देना, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगा और उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आए तो सिंपल आपने करना क्या है कि यहाँ पर मुझे कॉमेंट कर देना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।